हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम बनाने वाले हैं पेपर फिंगर ट्रैप। सो आप इस फिंगर ट्रैप से खेल सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक स्क्वायर पेपर। अगर आपको बड़ा फिंगर ट्रैप बनाना है तो आप बड़ा ले सकते हैं, और अगर छोटा बनाना है तो आप छोटा ले सकते हैं। तो पहले हम ये लेंगे और हम इसको फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में, फिर इसको खोलेंगे और दूसरी साइड से भी ट्रायंगल शेप में सेम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फिर हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर ऐसे हम स्क्वायर को रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम खोल के दोबारा करेंगे। फिर हम इस पेपर को लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ऐसी एक डायमंड और एक छोटा स्क्वायर शेप मिल जाएगी हमें। और जहाँ से ऐसे खुला हुआ है वहाँ से हम इसको से टर्न करें और इसको हम ऐसे जहाँ पर ये खुला हुआ है वहाँ पर फोल्ड करेंगे। फिर हम इसको दोबारा खोलेंगे पूरा। ये देखिए, अब एक स्टार जैसी शेप आ रही है और यहाँ पर इन लाइंस पर हम कट करेंगे। ये देखिए, तो हमें इन लाइंस पर कट करना है सीजर्स की मदद से। तो मैंने इसको सीजर्स की मदद से कट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इन सारे फोल्ड्स को करेंगे, मतलब हम इन कट जो है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यही हम सारी तरफ करेंगे। तो मैंने ये सब तरफ फोल्ड कर लिया और ये कुछ ऐसा लगता दिख रहा है। अब हम इसको टर्न करेंगे और एक जैसे एक निंजा स्टार जैसी शेप मिल रही है हमें। अब हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो मैंने सब साइड से फोल्ड कर दिया है। और अब हम ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे पिंच करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर ऐसा सेम ये पैटर्न सा आ जाएगा। ये ही हमें सारी साइड्स में करना है। तो अब मैंने इसको सारी साइड से फोल्ड कर दिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमारा फिंगर ट्रैप रेडी है। ऐसे ही मैंने कुछ और भी बना लिए हैं, तो अब हम इनको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये सक्सेस है और ये मेरी फिंगर ट्रैप हो चुकी है इसमें। अब हम दूसरा वाला लेंगे, इसमें हम करती हैं, ये भी सक्सेसफुल है। अब ये वाला मैंने फिंगर कलर डाली, पर कोई नहीं, तो मतलब हमारे सारे फिंगर ट्रैप सक्सेसफुल हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you, bye.